हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो टीचर की तरफ से जो ज्वाइनिंग लेटर स्टार्ट हो चुकी है सभी को आना उसके बारे में बात करेंगे इससे पहले मैंने अपना एक पार्ट बनाया है नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पूरे के पूरे पार्ट को देखेगा तो क्या होगा इससे आपके माइंड में जितने भी डाउट्स रहेंगे आपके सारे के सारे डाउट्स मेरे सारे पार्ट्स में क्लियर हो जाएंगे तो आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे वो पहले देख लेते हैं लाइक like, कि हु एंड विच बेच इज़ रिसीविंग टी सी एस ज्वाइनिंग लेटर इज़ एक्सप्लोर प्रोग्राम मैंडेटरी टू रिसीव ज्वाइनिंग लेटर या फिर एक्सप्लोर प्रोग्राम बोल सकते हो फिर आई एल पी प्रोग्राम जिसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम ठीक है program, और इसके बाद एक एग्जाम भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सी पी ए कैम कैमरा प्रोडक्टेड असेसमेंट क्या उसका क्या बेनिफिट्स है मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊँगा ठीक है लाइक uh, like, उसके बाद क्वेश्चन है कि आफ्टर एक्सेप्टिंग ऑफर लेटर वेन वी गेट ज्वाइनिंग लेटर ठीक है वेन आई एल पी प्रोग्राम विल स्टार्ट और शेड्यूल्ड बेनिफिट ऑफ कम्प्लीटिंग टी सी एस एक्सप्लोर प्रोग्राम स्टिल नोट रिसीव टी सी एस ज्वाइनिंग लेटर इस ट्वेंटी ट्वेंटी वन बैच ऑल्सो रिसीविंग ज्वाइन लेटर टी सी इज कंडक्टिंग वर्क फ्राम होम और ऑफिस ठीक है तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइक हु इज़ विच वेज रिसीविंग ज्वाइन लेटर तो फिलहाल जिन लोगों का टी सी मैं पहले आप लोग को जो है ज्वाइनिंग लेटर का वो पहला पेज दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए तो फिर हम देखेंगे कि डियर लाइक योर सब्जेक्ट जॉइनिंग लेटर वी वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू टाटा कंसल्टर सर्विसेज टी सी टी सी एस एल फैमिली वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर जॉइनिंग डेट एट टी सी एस एल विल बी एटीन ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन योर जॉइनिंग लोकेशन इज मुंबई वर्क लोकेशन इज मुंबई एंड योर स्ट्रीम इज आई टी दिस हैज़ बीन प्रोवाइडेड कंसिडरिंग योर प्रिफ्रेंस एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट ठीक है तो ये टी सी एस की जितनी जी सी एस का जो बिजनेस रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आपको जो है वो पोस्ट वगैरह या फिर लोकेशन वगैरह आपको प्रेफरेंस मिलती है ठीक है योर वेलिविंग इज आवर अटमोस्ट प्रियोरिटी इन द करेंट कोविड नाइन्टीन पैनडमिकोर अक्रॉस इंडिया कीपिंग दिस माइंड दिस इन माइंड एंड द रेगुलेशन इन्फोर्सड बाय वेरियस स्टेट्स एट दिस पॉइंट वी हैव इंटरनली इनेबल्ड अ वर्चुअल अनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर आवर फ्यूचर टी सी एस तो देखेंगे फ्रेंड यहाँ पर उन्होंने मैंशन कर रखा फॉर द वर्चुअल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फिजिकली रिपोर्ट एट द टी सी एस ऑफिस ऑन द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग मतलब आपको फिजिकली हो जाने की जरूरत नहीं है टी सी एस एक्सपी एच आर मतलब एक्सप्लोर एच आर टीम विल रीच आउट टू यू ओवर मेल ईमेल इन दी नेक्स्ट फ्यू डेज टू गाइड यू फर्दर ऑन दी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस एंड स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिपेयर योरसेल्फ सेल्फ ऑन ऑन बोर्डिंग लास्ट नाइन ध्यान से पढ़ेगा ठीक है कंग्रेचुलेसन ऑन कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ योर लर्निंग थ्रू टीसीएस सी एक्सप्लोर प्रोग्राम ठीक है आप लोग समझ सकते हो कि जो भी लेटर डिपेंड्स करता है वो कहीं ना कहीं आपके एक्सप्लोरर प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है वी अप्रिसिएट योर पैसन टुवर्ड लर्निंग विच हैज़ हेल्प्ड यू टू परफॉर्म वेल एक्सप्लोर प्रोग्राम को करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अच्छे से करना सबसे ज्यादा स्कोर लेके आना लाइक 80 प्लस स्कोर आने पर आपको इनिशिएटिव मिलता है लाइक सिक्सटी प्लस थाउजेंड का और आपको अगर 55 प्लस आता है तो आपको 40,000 का भी देखने को मिल जाता है लेकिन आपका मार्क्स जो है सी में जो होता है कैमरा प्रोडक्टर असेसमेंट ये एग्ज़ाम बेसिकली मैंने इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बना रखा आप लोग मेरे चैनल पर देख एक बार देख लीजिएगा ठीक है तो बेसिकली सी पी में एग्जाम में क्या होता है बेसिकली आपका जो ये एग्ज़ाम होता है वो आपका इंसेंटिव बेसिस पर होता है आपका लर्निंग प्रोसेस के ऊपर में होता है जिस किस तरह से आप किसी का एग्ज़ाम देते हो या फिर आपका स्कोर जो होता है वो डिफ़ाइन करता है कि आपका जॉइनिंग लेटर कितना जल्द होगा कितना लेट से होगा कितना फास्ट होगा ठीक है यू आर नाउ से यू आर नाउ सेट टू एक्सपीरियंस लर्निंग थ्रू आवर कोवेटेड टी सी एस एक्सपीरियंस प्रोग्राम ठीक है अब हम अब हम लोग जैसे आपने मैंने आपको भी दिखाया अब मैं हम लोग बात कर लेते कुछ कुछ बातों का ठीक है तो हु इज़ हु इज़ विच विच इस रिशीविंग लेटर देखो टी सी एस लेटर उन्हीं को आ रहा है जिन लोगों ने अभी तक मेरे हिसाब से जिन लोगों से मैंने बात किया है एक्सप्लोर प्रोग्राम अच्छे से कम्प्लीट हो गया है अच्छा स्कोर आया है परफॉर्मड वेल well आया है मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ये बात आपको बताया था कि जो टी सी एस का जो एक्सप्लोर प्रोग्राम है वो डिपेंडस करता है आपके कितने जल्दी आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा या फिर नहीं होगा याद रखिएगा इस एक्सप्लोर प्रोग्राम मैंडेटरी टू तो रिस्टिव जोनीटर ये, ये मैंडेटरी है लेकिन हाँ ये कंप्लीट करो तब आपका आपको आपको चाहिए कि नहीं आपको पहले ज्वाइन लेटर चाहिए या फिर आपका जो है ये कही कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है आपके ज्वाइनिंग लेटर पर भी जहाँ तक मुझे अभी तक पता चला है ठीक है ऐसे तो एक्सप्लोर प्रोग्राम जो होता है वो इंसेंटिव के लिए होता है पता है लेकिन एक्सप्लोर प्रोग्राम करने के बाद आपका जो परफॉर्मेंस आपका जो स्किल्स डेवलप होता है पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर में वो उससे कंपनी आपको पकड़ती है कि नहीं ये बन जा ये ये जो कैंडिडेट्स है वो अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा है और इनका जो परफॉर्मेंस है एक्सप्लोर प्रोग्राम में वो काफ़ी अच्छा है तो आपको एक जल्दी अच्छा खासा जल्दी जो जेल मतलब जोन लेटर देखने को मिल जाता है आफ़्टर एक्सेप्टिंग ऑफ लेटर वैन वी गेट जोनी लेटर उसके बाद आपका पहले आई एल पी स्टार्ट होता है फिर आपका शेड्यूल होता है ये आपका विद इन अ टेन टू ट्वेल्व डेज के अंदर में शेड्यूल हो जाता है अगर आप जब आई एल पी लर्निंग इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम कम्प्लीट करते हो उसके बाद आपको जो है अच्छा परफॉर्म करते हो ए, एक मंथ में दो बार सी पी एग्जाम होता है या फिर आई पी एग्जाम होता है उसे आप अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आपका जो है जोन लेटर आ सकता है वेन आई एल पी प्रोग्राम विल स्टार्ट एन सेड्यूल देखो ये आपने बता दिया आपको आपको बेनीफिट्स ऑफ कंप्यूटिंग टी प्रोग्राम ये आपका ज्वाइनिंग लेटर पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है पहला दूसरा तो ये आपका स्किल डेवलप होता है आपको कंपनी में जिस प्रोजेक्ट में वो का देंगे तो वो आपको जज कैसे करेगी आपको जज करेगी थ्रू एक्सप्लोर प्रोग्राम उसमें जो आपका एग्जाम होता है प्रोटेक्टेड एग्जाम होता है उसमें आपको जज करेगी कि ये बंदा कितने अच्छे से कंप्लीट कर रहा है कोर्स को कितना अच्छा स्कोर ये ला रहा है कितना अच्छा इंसियटिव कर रहा है क्रिएट वो वो डिपेंड्स करता है ठीक है स्टिल लोटे से जॉइनिंग लेटर देखो अभी तक आपको जॉइनिंग लेटर नहीं आया है तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा सबसे पहले आपका जो आई एल पी एक्सप्लोर प्रोग्राम होगा उसके कंप्लीट करते अच्छे हो अच्छे तरीके से तभी आपका जॉइन लेटर कंप्लीट होगा सबसे अच्छा बेनिफिट यहाँ पर ट्वेंटी नाइनटीन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी बैच को क्योंकि उन लोगों का ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो लोग का जैसे ही आई एल पी स्टार्ट होगा एक्सप्लोर प्रोग्राम स्टार्ट होगा आई थिंक कि उन लोगों का भी एक्सप्लोर एक्सप्लोर प्रोग्राम होगा फॉर दी इशेंटिव परपज़ बट आप लोग रखो चांस कि आप लोग का होगा लेकिन ट्वेंटी ट्वेंटी वन का तो है क्योंकि उन लोगों का ज्वाइनिंग आई थिंक उन लोगों को ज्वाइनिंग करने बोलेंगे आफ्टर द एट सेमेस्टर क्योंकि उन लोगों का भी एट सेमेस्टर बचा हुआ है सेवनथ और एट सेमेस्टर ठीक है अगर बात एस बच ऑल्सो लेटर ये कुछ लोगों का मुझे कुछ लोगों से मैंने बात किया था तो उन लोगों का जो स्कोर था एक्सप्लोर प्रोग्राम का वो काफ़ी अच्छा था एट्टी प्लस बहुत लोगों का एट्टी प्लस आया है स्कोर ठीक है तो उन लोग का तो इंसेंटिव है ही और ज्वाइन लेटर तो उन लोगों के पास है ही है टीचर्स कंडक्टिंग वर्क फ्रॉम होम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम देखो अभी फिलहाल तो टीचर्स जो है वो वर्क फ्रॉम होम ही करेगी क्योंकि अब इन्होंने अपने जॉइन लेटर में जॉइनिंग लेटर में या मैंशन कर रखा था कि फिजिकली आपको प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है आपको जो टी एस एक्स पी एच में आपको कॉन्टैक्ट करेंगे थ्रू मेल तो ये सारा रहा जॉइनिंग लेटर से रिलेटेड सारे के सारे बातें अगर इसके बाद भी अगर माइंड में कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ मेरा पहले वीडियो पार्ट वन से लेकर पार्ट टेन तक सारा वीडियो देखिएगा उसके बाद ही मुझे डाउट पूछेगा ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं प्लीज़ सारे के सारे कमेंट अगर सेम रिप्लाई है तो प्लीज़ यार आप लोग उसको लाइक करके जरूर उसको ऊपर कीजिएगा ताकि मैं इस कमेंट को पढ़ पाऊँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मिलते हैं आपको इस वीडियो में टिल दैन जय हिंद जय भारत